करनाल के शिव कॉलोनी गली नंबर 2 में देर रात दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां अपने घर की छत पर खेल रही 9 साल की छोटी बच्ची पर पिटबुल डॉग का कहर देखने को मिला। दरअसल ये बच्ची अपनी छत पर खेल रही थी, तभी पड़ोसियों द्वारा पाले हुए पिटबुल ने बच्ची के घर की छत पर कूद कर वहां खेलती हुई बच्ची माही पर हमला बोल दिया। पिटबुल डॉग ने बच्ची के मुंह को इस कदर अपने मुंह में जकड़ लिया। पिटबुल डॉग की मालकिन ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को पिटबुल के कब्जे से छुड़वाया, लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी। बच्ची का एक साइड का मुंह पूरी तरह से पिटबुल डॉग नोच चुका था। हमले में बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई। घायल अवस्था में बच्ची को हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर बच्ची का इलाज चल रहा है और कल बच्ची का ऑपरेशन होगा। 9 साल की छोटी बच्ची ने बताया कि वह अपनी छत पर खेल रही थी, तभी 2 मिनट के अंदर पिटबुल डॉग ने उस पर बुरी तरह से हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गई। वो इतने जोर इतने तेज के आया था, उसने दो मिनट में हमला कर दिया था। डॉगी था, कौन सा था? पिटबुल था। तो आप छत पे खेल रहे थे, साथ वाली छत पे थे आप? हाँ। तो तब काट लिया? हाँ तब काट लिया। थोड़ी देर पहले तो मैं उनकी छत पे गई थी, थोड़ी देर खेल रहा था, थोड़ी देर में वो आ गया था जब मैं जाने लग रही थी। तो पहले भी कभी ऐसे अब खेलते थे उसके साथ? नहीं, उसके साथ मैं, हम तो बस एक महीना हुआ सो वाले घर में गए थे। करनाल के शिव कॉलोनी गली नंबर 2 में रहने वाले पड़ोसियों ने बताया, बच्ची के पिता गांव में गए हुए थे। जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि पड़ोस में पाले हुए पिटबुल डॉग ने बच्ची को काट लिया है, आनन फानन में बच्ची को हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहीं पड़ोस में रहने वाले लोगों ने कहा, इस पिटबुल डॉग से आसपास में रहने वाले लोगों में भी काफी डर का माहौल बना हुआ है। पिटबुल डॉग के खुले में घूमने के बारे में कई बार इसके मालिक को अवगत करवाया गया था, लेकिन डॉग के मालिक पर कोई भी असर नहीं पड़ा, जिसकी लापरवाही से आज अंजाम देखने को मिला है। अपने घर की छत पर खेल रही छोटी बच्ची को इस पिटबुल डॉग ने बुरी तरह से घायल कर दिया है। हाँ, ऊपर खड़े थे, वो खड़े थे ऊपर और मैं नहाने लग रही थी, मालिक ने ऐसे हाथ डाला मुंह में कुत्ते के, तब उसका मुंह छोड़ा, अन्य लड़की का मुंह छोड़ने बच्ची वाला कैसे ऊपर गई थी, कुत्ता नीचे आया था, क्या कुछ हुआ था? ऊपर छत लगती है ना साइड में, इसमें बराबर वाले घर में ऊपर रहती है, ऊपर तीसरी मंजिल पे कुत्ता खुला था, धूप में बैठे, हाँ धूप में बैठे थे बच्चे, ऐसे जाके तो खुला हुआ था, हाँ ऊपर उनकी छत पर चला गया। हाँ, शिव कॉलोनी गली नंबर 2 है, नियर श्याम ज्वेलर्स, और ये तकरीबन 1 घंटा पहले इस बच्ची को काटा है कुत्ते ने। तो मैं जरा मार्केट तक गया था, तो लड़की के पिता है वो गांव गए हुए हैं, तो मेरे भाई का फोन आया, तो ऐसे से बात हो गई है, तो मैंने अपने भाई को भेजा कि इसको बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाओ। लेकिन उसके बाद मैंने इनको बोला कि क्या तरीका है, तो इनका सामने से ये कहना है कि हम ये रखेगा, ठीक है, इनकी लैंग्वेज ये है, हम इस बच्चे कुत्ते को रखेगा, ये कुत्ता हमारा बच्चा है। मेरी सर सामने छोटा सा काम है, मैं दिन में वहाँ 10 से 20 बार जाता हूँ और कम से कम 3 से 4 लेडीज मेरे पास काम करती है, उनको भी इस चीज़ का खतरा है। रोज का बोल चुका हूँ कि कुत्ते को बांध के रखो, तो ये मानते नहीं है, कुत्ते को खुला छोड़। बच्ची का फेस खराब हो गया, बिल्कुल खत्म हो चुका है, बहुत ज्यादा। आपको मैंने फोटो भेजी है, उसमें आप देख सकते हो बच्ची का फेस बिल्कुल खराब। बच्ची का इलाज कर रही निजी हॉस्पिटल की डॉक्टर ने बताया, घायल अवस्था में बच्ची हॉस्पिटल में आई थी। बच्ची का एक साइड कान का हिस्सा डॉग ने पूरी तरह से खाया हुआ था। बच्ची के मुंह और कान पर काफी बड़े जख्म हैं। अभी बच्ची को इलाज दिया जा रहा है। जख्म ज्यादा होने के कारण बच्ची के मुंह का कल ऑपरेशन होगा। ये 10 साल की बच्ची हमारे पास आई थी करीब 4:15 बजे, और इसके मुंह पे कुत्ते ने काटा हुआ था, काफी बड़ा जख्म था और कान पे भी मुंह पे भी था। तो हमने अभी तक का इलाज कर दिया है, इनके जो कंसल्टेंट हैं उनको दिखा दिया है, कल बच्ची का ऑपरेशन है, तो जख्म ज्यादा है, अभी तक का इलाज हो चुका है। वैसे तो कैसे ओवरऑल हेल्थ है इनकी? ओवरऑल अभी ठीक है, बट काफी दर्द है इसको, वैसे ठीक है। पिटबुल ने काटा? हाँ जी, पिटबुल ने काटा इसको, जो कि इनके घर वालों ने बताया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस के कर्मचारी भी पहुंचे। वहीं उनका ये कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इवेंट आया था जी, अभी इवेंट में पहुंचे हैं, ये कोई पिटबुल डॉग है, वो कुत्ती को बता हुआ है बुड़के बड़के से खा गया, कैसे है जो भी है, तो अभी मौके पर आए जी, देखते हैं सिचुएशन क्या है। बच्ची का फेस खराब करके बता रहे, बच्ची को काटा है? बच्ची को भी काटा है, बच्ची फिलहाल हॉस्पिटल में भेज दी गई है सर, और बाकी मौके पर देख रहे हैं सर जो किसका डॉग है कैसे क्या है जी, जैसे जिसकी गलती होगी इंक्वायरी के खिलाफ उसके कानूनी कार्रवाई की जाएगी।